लोरियल का स्टीम पोड है, इसमें कस्टमर का कंप्लेन किया था कि यहाँ से पानी लीकेज होता था ये वाले सेक्शन में से, मैं आपको बता दूँ यहाँ से पानी लीकेज होता था। वो तो अच्छा है कि कस्टमर ने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया, जैसे पानी लीकेज की कंप्लेन आई उन्होंने तुरंत यानी यहाँ पे रिपेयरिंग में भेज दिया, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पानी लीकेज होने का रीज़न क्या हुआ था कि इसके जितने भी होल्स थे ये वो सारे पैक हो चुके थे, तो स्टीम को फ्लो होने के लिए कोई स्पेस नहीं था, तो स्टीम का प्रेशर इतना हो गया था कि यहाँ से पाइप निकल गई थी, मीन्स फट गई थी यानी यूँ समझो पूरा प्रेशर से, वो हो गया पानी लीकेज हो गया था। तो अभी हमने इसे कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, होल वगैरह क्लीन किया, पूरा अंदर का जो चैम्बर था स्टीम चैम्बर वो पूरा क्लीनिंग सर्विस हो गया है, अभी कंप्लीट वर्किंग हो गया है। देखिए अभी मशीन चालू ही है, 230 पे मैंने रखा है, अभी यहाँ से स्टीम भी आएगा, अगर आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत स्टीम सामने देखिए, एक्चुअली क्या वीडियो में क्या स्टीम नहीं दिख पा रहे थे, लेकिन हमने क्लीन करने का जो ट्राई किया उसमें तीन होल जो है ये क्लीन नहीं हो पाए, बाकी ये जो पांच होल जो है इसमें से कंप्लीट स्टीम आ रही है। अभी देखिए आपको यहाँ बॉडी में हल्का हल्का ऐसे दिखेगा, यहाँ पे स्टीम आएगी ना तो देखिए वो वहाँ से जो होकर जाती है स्टीम से थोड़ा सा दिखता है। अब मेन तो हमारा कंसेप्ट क्या अभी वीडियो बनाने का कि भाई ये अभी जो कस्टमर को जो कंप्लेन आई जो प्रॉब्लम आई ये प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए एक प्री क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ वो आप देख लीजिए। जब भी हमारा काम पच जाए तो सबसे पहले मशीन अभी वर्किंग कंडीशन में चालू ही है, ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे जो पानी का जो सेक्शन है इसको निकाल देंगे, ठीक है, यानी जो पानी वाला अपना जो कंटेनर है वो हमने निकाल दिया, ठीक है। अब ये स्टीम मशीन है इसको हम प्रेस करेंगे इसे, तो क्योंकि अंदर मोटर रोटेट होगी और जितना भी अगर सेक्शन में जितना भी पानी है वो पूरा वेपर यानी स्टीम बन के बाहर आ जाएगा। जब अपने को ऐसा फील हो कि भाई यहाँ से होल में से स्टीम आना बंद हो गया है, इसका मतलब क्या कि जो पूरा जो सेक्शन जो है अपना जितना भी पूरा सेक्शन है पाइप वगैरह पूरा जो कंप्लीट सेक्शन मशीन का सेक्शन या पाइप में जितना पानी है वो सारा कुछ क्या अभी बाहर आ चुका है, तो उससे क्या होगा कि अंदर जो मशीन में जो क्षार जम जाता है जो होल्स ब्लॉकेज हो जाते हैं जो क्षार के वजह से, तो वो जो कंप्लेन है आपकी यानी समझो कि अगर एक साल में आने की है तो आपको समझो कि 6-7 साल तक कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसको समझो हमने पानी निकाल दिया है पूरा स्टीम वेपर बन के बाहर आ चुका है, तो ब्लॉकेज का अब आपको क्या कोई कंप्लेन आएगी नहीं है सर, ठीक है। अभी जैसे ही इसका पूरा स्टीम पूरा क्लीन हो जाएगा मुझे ऐसा फील हुआ भाई अब स्टीम आना बंद हो गया है, ठीक है, अभी भी स्टीम आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जब स्टीम आना टोटल बंद हो जाएगा फिर उसके बाद ही मैं मशीन को बंद करूँगा। अभी देखिए अब स्टीम आना बंद हो गया है, आज जब ये आधा एक मिनट करोगे ना तो इसका पूरा जो भी स्टीम है सेक्शन का जितना पानी है सारा कुछ बाहर निकल जाएगा, वो बाहर निकल गया इसका मतलब समझो कि आपका जो ब्लॉकेज का जो कंप्लेन है 90% आपका इन फ्यूचर में सॉल्व हो गया, यानी कभी वो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं आपको। देखिए अभी स्टीम आना बंद हो चुका है कंप्लीट, अब हमको समझो कुछ अब ये पानी हम जो है कंटेनर का पानी आप फेंक देंगे उसके बाद आप इसे भरा सकते हो, लेकिन जब भी आप इसको यूज़ करके रखो तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताई कंटेनर निकाल के स्टीम बाहर निकालनी है, जिससे क्या जितना भी सेक्शन है पूरा क्लीन हो जाएगा, ऐसा करोगे आपका ब्लॉकेज का कंप्लेन कभी नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।